हेलो फ्रेंड्स, अमरीश एंड जया पटेल नई भोजन प्रथा से। आज हम आपको हमारा ये लगातार 40वां ये वीडियो है। आज हम आपको बहुत डिलीशियस माय वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिश के बारे में बात करेंगे, मैंगो सालसा। इतनी बढ़िया डिश आपने शायद खाई नहीं होगी, इतनी टेस्टी है ये। आप लोग वैसे भी आम का रस, कैरीनो रस तो पीता ज होय छे, लेकिन ये बिल्कुल चटपटा स्वाद है और इतना मजा आएगा, आप 2-3-4 कैरी मैंगो ऐसे ही खा जाओगे। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है वो आपको पहले बता देते हैं। मैंगो है, मैंगो लॉकडाउन की वजह से अभी इतनी क्वालिटी अच्छी चालू नहीं है। मैंगो में बहुत सारी वैरायटी आती है, आपके वहाँ जो मिलती है वो हिसाब से ले लेना। उसके बारीक बारीक ऐसे, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं, ऐसे उसके पीसीस करने हैं, चॉप करना है। पका हुआ आम लेना है, बिल्कुल पका हुआ चाहिए, राइपन ज़्यादा चाहिए, कच्चा या मीडियम नहीं चाहिए। अगर मीडियम है तो आप उसको चम्मच से जरा ऐसे थोड़ा कर देना तो अंदर वो मैरिनेट होना जरूरी, ऐसे नहीं। और आपके पास जो भी मैंगो है उसमें अल्फांसो, केसर, पायरी, सुंदरी, दशहरी, हिमसागर, चौसा, बादामी, सफेदा, लंगड़ा, तोतापुरी, नीलम, लक्ष्मण भोग, आम्रपाली, फजली, मनकुराड, मल्लिका, राजापुरी, गुलाब खास, वनराज, किबी चुदन, रुमानी, ये सब बहुत अच्छी आपके प्रांत के हिसाब से आपको मिलती रहेगी। आपको उसमें से जो भी है वो पकी हुई चाहिए और उसको ऐसे थोड़ा, जितनी पकी हुई उतना मजा आएगा। उसमें क्या ऐड करना है वो खास आपको देखो। सबसे पहले उसमें लेमन मिनिमम 2 बड़े वाले, उसको खट मीठा टेस्ट करना है, ये लेमन का जूस है, 2 बड़े वाले लेमन डालने हैं। जितना लेमन जूस जाएगा उतना टेस्ट अच्छा रहेगा। अपना अदरक और ग्रीन चिली जो है अपना वो डालना है, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, चिली फ्लेक्स डालो। चिली पाउडर नहीं है तो वो भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स अच्छा रहेगा। येलो में चिली फ्लेक्स का कलर बहुत अच्छा रहेगा। बाद में ये सिलांत्रो, कोरिएंडर में भी याद रखना है आपको, उसके पत्ते नहीं डालना है, उसकी ये जो डाली आती है उसका, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। आपको कट कट करके दिखाते हैं, चपाती का अपन बताए, ये उसका टेस्ट थोड़ा आपको खाने में मजा आएगी। बाकी पत्ते लेने हैं और ये ओनियन है, रेड ओनियन अपना। इतनी डिश में अपने को इतने इंग्रेडिएंट लेना है, सब धीरे धीरे इसमें मिक्स करना इसमें है। इसमें पहले लेमन जूस डालना है, लेमन जूस ज्यादा डालो तो मजा आएगा। फिर सॉल्ट डालेंगे, रॉक सॉल्ट है ये, प्याज डालेंगे, ये सालसा है, सालसा में प्याज होती है, चिली और प्याज, जैसे मैक्सिकन सालसा, आप चिप्स के साथ सालसा जो खाते हैं। अभी उसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, चिली फ्लेक्स आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा, तीखा ना हो जाए। और उसमें काकवी डालना है टेस्ट के लिए, खट मीठा होना चाहिए टेस्ट। काकड़ी
क्योंकि हमने लेमन डाला है तो मिठास के लिए, कैरी तो ऐसे भी मीठी होती है, लेकिन ये 2 चम्मच हमने काकड़ी डाली है। ये बनाया हुआ हमारे पास तैयार है, उसको 1 आध घंटे 2 घंटे बाद अगर खाओगे तो ये सब मसाला अंदर जाएगा तो टेस्ट लाजवाब रहेगा, बहुत मजा आएगी खाने में। देखो कितना यमी लगता है। आप मुझे खास, बहुत सारे लोग मुझे वीडियोस भेजते हैं, अपना पिक्चर्स भेजते हैं, आप भी ये रेसिपी के लिए खास आपके वहाँ बनाओ, बच्चे को भी खिलाओ, और बहुत हमारी वैसे भी रो रेसिपी क्विक बन जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारा ये जया हमको रेगुलर सब और भी आते रहेंगे वीडियो। आप मुझे इसकी रिटर्न रेसिपी मेरे यूट्यूब है, फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मिलती रहेगी। आप मेरा व्हाट्सएप पर नंबर है 9879926220 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।